मंजिल हासिल उन्हीं को होती है जो प्रयत्नों की पराकाष्ठा कर जाएं। और कहते हैं कि ऐसा करने वालों के साथ तो खुद ईश्वर भी खड़े हो जाते हैं। रायपुर की देवश्री ने भी ऐसी ही मुश्किलों से मुकाबला करके आज सबको एक सीख दी है। देखिए देवश्री की कहानी। हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, लेकिन जिस नाम में देव और श्री दोनों हों तो उस पर ईश्वर की कृपा क्यों ना बरसे। रायपुर की इस बिटिया से मिलिए जो आज हर तरफ सुर्खियों में है। पता है क्यों? क्योंकि नेत्रहीन होने के बाद भी उन्होंने पीएचडी पूरी की है और अब वो डॉक्टर देवश्री भोयर के नाम से पहचानी जाएंगी। मुश्किलें तमाम थी, लेकिन नजर आसमान पर थी, तभी तो मंजिल पाकर ही चैन लिया देवश्री ने। देवश्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे ही जानते हैं कि उनका पीएचडी तक का जो सफर है वो कितना चुनौती भरा रहा। तो देवश्री, भारतीय राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान पर आपने पीएचडी किया है, तो पीएचडी के लिए आपने इसको ही क्यों चुना? भारतीय राजनीति में मैंने जो अटल बिहारी वाजपेयी पे जो पीएचडी की है, मैंने इसलिए चुना क्योंकि वो व्यक्ति ऐसे थे, बुद्धि मतलब व्यक्तित्व बुद्धि के धनी थे और उनके मन में किसी के प्रति, चाहे वो पार्टी हो चाहे कोई भी हो, किसी के प्रति उनमें बुरा विचार नहीं था। वो गरीबों के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, खड़े हुआ करते थे और जो आज की जो जनधन योजना चल रही है वो उन्हीं के नाम पर, उन्हीं की देन है। तो हम ये कह सकते हैं चाहे वो सदन में बाहर रहे हो चाहे सदन के अंदर रहे, सबके लिए एक समान व्यवहार करते थे और वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि उनके लिए कोई कुछ नहीं कह सकता। छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह में भारतीय राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान पर पीएचडी करने वाली देवश्री को उपाधि प्रदान की गई। और जो पीएचडी का सपना मेरे पिताजी का भी था और मेरा भी था, तो कोई ऐसी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि चुनौतियां भी आई है तो उन्होंने दरकरार किया। यदि वो चुनौतियां का हम लोग, मेरे माता पिता यदि उसको पकड़ के रहते तो आज मैं शायद आगे नहीं बढ़ पाती। तो मैं लोगों से यही कहूँगी कि कभी वो हिम्मत ना हारे, कोई भी ऐसी मजबूरी आए तो उसको दरकरार करे। देवश्री, आपके पिता मजदूरी करते हैं और उसके बाद भी आपके पिता ने आपकी पीएचडी की थीसिस लिखने में आपकी हेल्प की है, तो उनके लिए ये जो सफ़र है वो कितना परेशानियों का उनको जो है कितना सामना करना पड़ा है? मेरे पिताजी को इनका सामना तो करना नहीं पड़ा, यदि वो करना भी पड़ा होगा तो उन परेशानियों का सामना मुझे जाहिर नहीं होने दिया उन्होंने। दीक्षांत समारोह में जब आपको पीएचडी की उपाधि मिली है तो वो पल आपके लिए कैसा रहा? दीक्षांत समारोह में जब मुझे पीएचडी की अवार्ड तो मुझे मिल चुका था 12 फरवरी 2022 को, जब डिग्री मिली तो वो पल मेरे लिए एक गौरव का। आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आगे आप और क्या करना चाहती हैं? मेरी फ्यूचर प्लानिंग तो यही है कि मैं आगे भी प्रोफेसर पद में ही रहूंगी, अभी भी धमदा गवर्नमेंट कॉलेज धमदा में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान में पढ़ा रही हूँ अडाप्ट पे, और आगे मतलब मैं रेगुलर के पोस्ट पे पढ़ा रही हूँ। वाकई देवश्री हम सब के लिए एक मिसाल है, क्योंकि उन्होंने हालात के आगे घुटने नहीं टेके बल्कि अपने पंखों को फैला कर चुनी आसमान में ऊंची उड़ान। रायपुर से न्यूज 18 के लिए तनु वर्मा की रिपोर्ट।